दोस्तों आज HDFC AMC IPO का लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग के दिन ही 65% का रिटर्न्स मिला, लेकिन कई लोग निराश है जिन्हें इस IPO का अलॉटमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सभी को इस IPO का अलॉटमेंट्स मिला जिन्होंने हमारे बताए हुए ट्रिक्स को अपनाया, चाहे वो बंधन बैंक का IPO हो या HDFC AMC का IPO हो। सभी लोगों को IPO का अलॉटमेंट्स मिला जिन्होंने भी इस वीडियो में बताए हुए ट्रिक्स को अपनाया। तो मैं आपको आज एक बार फिर से बताता हूँ ये ट्रिक्स क्या था। ये ट्रिक्स लगभग सभी अच्छे IPO पे जिसपे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आता है उन सभी IPO पे भी एप्लीकेबल है। तो ये ट्रिक्स क्या था, तो ये जो ट्रिक्स है ये ट्रिक्स नहीं बस कुछ टिप्स है, अगर आप इसे यूज करेंगे तो हर IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये टिप्स क्या था, तो टिप नंबर वन कि जनरली लोग IPO का एप्लीकेशन करते हैं अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से, लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आप जब भी IPO का एप्लीकेशन करें तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से ना करें। अब आप कहेंगे कि अगर मैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से IPO का एप्लीकेशन ना करूँ तो कहाँ से करूँ। तो अगर आपको IPO का अलॉटमेंट चाहिए तो आप टिप नंबर वन अपनाइए कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू आप IPO में एप्लीकेशन दें। जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें ऑनलाइन फैसिलिटी होती है IPO में एप्लीकेशन देने की। आप किसी भी बैंक में लॉगिन करके चेक करें, वहाँ पे IPO अप्लाई करने की ऑप्शंस होती है, आप वहाँ से अप्लाई करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब किसी IPO में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो अलॉटमेंट करने वाली संस्था ये सोचती है कि पहले उन रिटेलर्स को IPO का अलॉटमेंट किया जाए जो छोटे निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी ट्रेडर्स। जो लोग सेविंग बैंक से अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि छोटे निवेशक हैं, इसलिए वो IPO का एप्लीकेशन अपने सेविंग बैंक से कर रहे हैं तो उन्हें प्रायोरिटी दिया जाता है। अब मेरा टिप्स नंबर टू, जो टिप टू है उसमें क्या है कि आपको पहले टिप वन यूज करना है। टिप वन के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हो सके, अगर आपके घर में किसी भी फीमेल के नाम से अगर सेविंग अकाउंट है तो उनके नाम से अगर IPO अप्लाई करते हैं तो आपको IPO अलॉटमेंट के चांसेस और बढ़ जाती है। अब टिप्स नंबर थ्री में कहना यह है कि जो मैं पहले दो टिप्स बता रहा हूँ उसमें एक एडिशन ये कीजिए कि जब भी अप्लाई करें तो सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करें, ओनली वन लॉट। अगर आप अपने सेविंग बैंक से अकाउंट से अप्लाई करते हैं और मोर देन वन लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, सपोज आपने टू लॉट थ्री लॉट के लिए अप्लाई किया, तो लोग ये समझते हैं कि आप छोटे निवेशक नहीं हैं। जो थर्ड टिप्स है कि आप ओनली वन लॉट के लिए ही अप्लाई करें, किसी भी अकाउंट से करें लेकिन ओनली वन अकाउंट से करें। और जो नेक्स्ट टिप्स है टिप फोर, इसमें आप टिप थ्री इस्तेमाल कीजिए। टिप थ्री के साथ आप उसमें ये भी ऐड करें कि आप जब भी IPO के लिए एप्लीकेशन दें तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस को ही सेलेक्ट करें। वहाँ ऑप्शंस होगा सेलेक्ट करने के लिए कट ऑफ प्राइस, मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस नहीं बल्कि कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें। तो ये जो कुछ टिप्स हैं, ये जो चार टिप्स हैं, अगर आप ये यूज करते हैं तो अभी तक मैंने देखा है कि जब भी मैंने अप्लाई किया है अपने नाम से या लेडीज़ के नाम से भी किया हो, अगर इस बाकी के तीन टिप्स को फॉलो करता हूँ तो हमेशा मुझे IPO का अलॉटमेंट मिला है, चाहे वो बंधन बैंक का IPO हो या HDFC AMC का IPO हो, हर जगह मुझे अलॉटमेंट मिला है। और मैंने जितने लोगों को बताया था ये टिप्स सभी आज मुझे बता रहे हैं कि अब मुझे IPO का अलॉटमेंट मिल गया। जिन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट से IPO अप्लाई किया था उनमें मोस्टली लोगों को आज HDFC IPO का अलॉटमेंट नहीं मिला। आप इस टिप्स को याद रखिए और आने वाले हर IPO में आप ट्राई कीजिए, आपको 90% मैं कहता हूँ कि आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रिप्स को अपने दोस्तों नियर डियर सबको शेयर कीजिए ताकि आने वाले IPO में उन्हें भी अलॉटमेंट मिल सके। दोस्तों अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो में और क्या अच्छा चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूं, अच्छे वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मिलेगा मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले।
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।